हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है RCF। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रही। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर हाई गया था 108, लो गया था 102.15 एंड फ्राइडे के दिन इस शेयर ने रिटर्न दिया था 3.75% एंड क्लोज हुआ था 105.05 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹5,795.48 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹6,341.95 करोड़ एंड पीई रेशियो है 7.57। इस कंपनी के ऊपर अभी डेप्थ है ₹2,066.79 करोड़ का। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.62। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 5.86। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से लगभग 5 गुना से भी ज्यादा है, जो कि आपका फंडामेंटल एक अच्छा बात है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹13.87, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.44% एंड ROCE है 10.41%। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 79.25%। ये जो कंपनी है RCF, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 75%, पब्लिक का होल्डिंग है 21.75%, FII का होल्डिंग है 2.95% एंड DII का होल्डिंग है 0.3%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 75% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का लास्ट 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया, इसका जो भी फिगर है पूरा करोड़ में है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा नेट सेल्स देख लेंगे। ओके, तो देखिए, जून 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी में नेट सेल्स हुआ है 4,956.51 करोड़, जो कि इसका जो पिछला लास्ट 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 433.31 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है 295.08 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इस शेयर का जून 2022 का जो Q1 का रिजल्ट निकला है वो आपका बहुत ही अच्छा निकला है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कंटिन्यूअसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है 571.25% का। ओके, और एक चीज देखिए, जो कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल और RCF, इस कंपनी का P/S की रेट है आपका 7, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। 7 out of 9 एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। ओके, और एक चीज देखिए, ये जो कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल, ये कंपनी आपका मानी कंट्रोल का टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट भी देख लेंगे, देखिए वीकली चार्ट में भी वेरी बुलिश है, एक बार मंथली चार्ट भी देख लेंगे। ओके, तो देखिए मंथली चार्ट पे भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये आपका 24 अगस्त 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है एंड लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिखा है। ये कैंडल क्या किया है इस शेयर का, देखिए मैंने यहाँ पे एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया है, जो कि इस शेयर का एक आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लाइन है। इस लाइन को तोड़ के ऊपर सस्टेन किया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। और डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 100 डेज
50 डेज और 200 डेज तीनों मूविंग एवरेजेस का जो लाइन है इसके ऊपर टटकता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी यहाँ पे आपके अबव 60 है और एमएसीडी भी आपका 0.0 से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए ये आपका है जुलाई 2022 का तीसरा वीक। यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ऐसे ऊपर की तरफ भाग रहा है और अभी जो वीक आपका खत्म हुआ इस वीक में भी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी देखिए अबव 60 है और एमएससीडी भी आपका 0.0 से ऊपर है। मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹105, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 3 से 4 महीने में ये शेयर आपका ₹125 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आजकल इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।